आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश की चीन में मस्जिद गिराने को लेकर। जी हां, चीन में मस्जिद गिराने को लेकर प्रशासन और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए। रिपोर्ट देखिए आप। चीन में मस्जिद पर बुलडोजर, मुस्लिमों पर अत्याचार, पाकिस्तान टर्की खामोश। चीन में सरेआम मुस्लिमों को पीटा जा रहा है, मुस्लिम समुदाय को टॉर्चर किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफी हैं कि इस्लामिक देश पाकिस्तान का दोस्त चीन में ही मुस्लिमों पर बेतहाशा जुल्म हो रहा है। पहले चीन के मुस्लिमों को घर में कैद किया गया, दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगाई गई, अब तो जिनपिंग के टारगेट पर सीधे मुस्लिमों की इबादतगाह है। तस्वीरें चीन के यूनान प्रांत की हैं, जहां मस्जिद तोड़ने पहुंची चीन की पुलिस और मुस्लिमों के बीच झड़प हो गई, जमकर बवाल हुआ। लेकिन जिनपिंग की पुलिस पीछे नहीं हटी और मुस्लिमों पर डंडे बरसाए जाने लगे, उन्हें घसीट कर मारा गया। ये बवाल इसलिए हुआ कि 13वीं सदी में बनी एक मस्जिद को गिराने के लिए पुलिस टीम पहुंच गई। मुस्लिमों को लगा कि उनके विरोध से पुलिस लौट जाएगी, लेकिन ये उनकी भूल थी। चीन की पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी कि उनकी मस्जिद को मलबे में तब्दील करके ही लौटेगी। मुस्लिमों ने विरोध किया तो उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों को सरेंडर का अल्टीमेटम भी दिया गया है। 2020 में ही स्थानीय प्रशासन ने चीन के यूनान प्रांत में स्थित नाजियांग मस्जिद को डेमोलिशन लिस्ट में डाल रखा था, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि मस्जिद अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर बनाई गई है। पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए विरोध करने वालों को सरेंडर करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। पुलिस ने कहा कि जो लोग 6 जून तक खुद को सरेंडर करते हुए अपना बयान दर्ज कराएंगे, उन्हें कम सजा दी जाएगी। चीन के अधिकारियों ने इस घटना को कानून व्यवस्था में बाधा डालने की एक गंभीर कोशिश करार दिया है। साथ ही विरोध करने वाले लोगों के बारे में जानकारी देने की जनता से अपील की है। तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने के बाद भी कोई भी इस्लामिक मुल्क, कोई भी मुस्लिम देश कुछ नहीं कह रहा है। बात बात पर फतवा जारी करने वाले मुस्लिम संगठनों ने भी चुप्पी साध रखी है। शायद सभी को चीन से डर लग रहा है और सबके भीतर शी जिनपिंग का खौफ है। और ये पहली बार नहीं है जब चीन में मस्जिद तोड़ी जा रही है। 2018 में भी चीन की सरकार ने मस्जिद तोड़ी थी। अक्टूबर 2021 में भी चीन के उत्तर पश्चिमी शहर जिनिंग में 700 वर्ष पुरानी मस्जिद के हर एक गुंबदों को तोड़ा गया था। चीन एक कम्युनिस्ट देश है और वहाँ नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। चीन धार्मिक आस्थाओं को चीन की संस्कृति और समाज के अनुकूल बनाना चाहता है, और इसलिए मस्जिदों को चीन में निशाना बनाया जा रहा है।